सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग का सेकंड वीडियो ऑफ क्रिएटिंग अ वेरी पावरफुल एआई एजेंट विद टू मेनी टूल्स। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग डालने वाले हैं कुछ टूल्स, इस पे कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी टूल्स। ये करने वाला है किसी भी ऑडियो को ट्रांसक्राइब। तो मैं आपको बताऊंगा इसका क्या रोल है एंड लाइक इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे पड़ने वाला है, इसका हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, इसका एजेंट क्या यूज़ कर सकता है। तो टू ट्रांसक्राइब ऑडियो देर आर टू ऑप्शन कि आइदर हम उसको ऑडियो का यूआरएल दे जहाँ से वो डाउनलोड करके ट्रांसक्राइब कर पाए, इधर हम उसको अपने सिस्टम का कोई फाइल दें कि ये रहा ऑडियो फाइल, इसको ट्रांसक्राइब करो। तो मैंने दोनों के दोनों चीज़ें इस पर डाल के रखी हैं। वी आर यूजिंग स्पीच रिकॉग्नाइजेशन मॉड्यूल फॉर ट्रांसक्राइबिंग ऑडियो, एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन मॉड्यूल पे एक लिमिटेशन है कि ये बहुत लंबी ऑडियो सपोर्ट नहीं करता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम ऑडियो को चंक्स में डिवाइड करें, एंड चंक्स में डिवाइड करने के बाद हम उसको ट्रांसक्राइब करें। एंड इसको फास्ट करने का एक तरीका ये है कि हम इसमें थ्रेडिंग यूज करें। थ्रेडिंग से बहुत सारी रिक्वेस्ट साथ में जाएंगे एंड एक साथ प्रोसेस होकर चीज़ें आ जाएंगी। तो अभी सेगमेंट ड्यूरेशन मैंने 30 रखा है, 30 सेकेंड्स का रखा है, यानी कि 30 सेकेंड्स के चंक्स पे चीज़ें डिवाइड होंगी। मैं आपको पहले इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो पहला ऑफलाइन ऑडियो जो कि मेरे पे पड़ा हुआ है वो है ये वाला। तो सोर्स कोड आपके पास गिटहब पे पड़ा है, यू कैन चेक इसने सही ट्रांसक्राइब किया फिर नहीं। लेट मी रन दिस। एंड एक चीज़ मैं और करूँगा यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा भाई, ताकि थोड़ा जल्दी प्रोसेस हो भाई। एज यू कैन सी इसने 10 सेकेंड में ट्रांसक्राइब कर दिया, एंड हियर इज द ट्रांसक्रिप्शन। और अगर मैं चंक्स को इसको 10 कर देता हूँ देन ये और फास्ट प्रोसेस होगा, बट इसका ड्रॉबैक ये है कि मतलब इस पर थोड़ी सी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। अगर मैं आपको दोनों कंपेयर करके दिखाऊँ तो आप देखोगे थोड़े से डिफरेंट है। तो 30 सेकेंड इज लाइक स्वीट स्पॉट। अब मैं आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ एक बार चल क्या रहा है। मैं यहाँ पे वापस से मैं डिवाइड बाई टू कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने OS मॉड्यूल इंपोर्ट करा है, टेम्प फाइल इंपोर्ट करा है ताकि हम टेम्प्रेरी फाइल में चीज़ें स्टोर कर पाएँ, हमको यहाँ पे ना चीज़ें स्टोर करनी पड़े। मल्टी प्रोसेसिंग इंपोर्ट करा है, रिक्वेस्ट एंड स्पीच रिकॉग्निशन पाई डब से ऑडियो सेगमेंट इंपोर्ट करा है, थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर एंड नारा से मैंने इंपोर्ट करा है टाइम इट। तो सबसे पहले तो मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि डाउनलोड करेगा किसी भी ऑडियो को। ये दो आर्गूमेंट लेता है, ऑडियो URL एंड टेम्प्रेरी डायरेक्ट्री का पाथ। हमने रिस्पॉन्स डॉट गेट URL करा, स्टेटस कोड अगर 200 है देन तो भाई राइट कर दो फाइल पे, एक फाइल सेव करा लेंगे हम टेम्प्रेरी फोल्डर में, एंड अदरवाइज हम एक एरर थ्रो कर देंगे फेल टू डाउनलोड फ्रॉम URL। और ट्रांसक्राइब सेगमेंट का मतलब मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो 30-30 सेकेंड के चंक्स में चीज़ें डिवाइड होंगी उनमें से किसी एक चंक का मैं यहाँ पे पाथ डालूंगा, देन रिकॉग्नाइजर इनिशलाइज किया, देन हम उसको विथ ओपन एस आर डॉट ऑडियो फाइल, हम उस ऑडियो फाइल को लाइक ओपन कराएंगे एंड उसको रिकॉग्नाइज करवाएंगे। आफ्टर दैट वी विल रिटर्न जो कुछ भी टेक्स्ट है, अगर उसको टेक्स्ट नहीं मिला देन यहाँ पे हम मैं स्टार रिटर्न करवा रहा हूँ। एंड ट्रांसक्राइब ऑडियो विल डिवाइड द मेन ऑडियो इन 30 सेकेंड चंक्स एंड उसको वेव फाइल में भी कन्वर्ट कराएगा। सो देन हम टेम्प्रेरी फाइल में से जाएंगे, टेम्प्रेरी फाइल में जाएंगे एंड वो सेगमेंट्स को सेव करा देंगे। आफ्टर दैट वी विल यूज थ्रेडिंग। सो हमको पहले थ्रेड काउंट चाहिए। थ्रेड काउंट क्या होता है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे कंप्यूटर में थ्रेड काउंट 4 का है, CPU एंड ये रहे लॉजिकल मेरे कोर्स का एंड लॉजिकल प्रोसेसर 4। डिफरेंट डिफरेंट CPU में डिफरेंट डिफरेंट कोर्स एंड थ्रेड्स होते हैं, लाइक मेरे में 4 है। मैं यहाँ पे लाइक गेट CPU काउंट का मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया है जिससे मैं मैक्स वर्कर्स डिफाइन करने वाला हूँ, यानी कितने मेरे थ्रेड्स का ही यूज़ करने वाला है एट लास्ट। देन मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा एंड आफ्टर दैट जो मेरा ट्रांसक्रिप्शन था उसको मैं ज्वाइन करा दूंगा, लास्ट में ट्रांसक्रिप्शन रिटर्न करवा दूंगा। एंड मेन फंक्शन कुछ नहीं है, बस इस पर दो चीज़ें इनिशलाइज की हुई हैं, लाइक अगर ऑडियो URL है देन हम टेम्प्रेरी डायरेक्टरी में पहले उसको डाउनलोड करवाएंगे देन ट्रांसक्रिप्ट करवाएंगे, एंड अगर अगर लाइक URL नहीं है देन हम डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्ट करवा लेंगे। लाइक अभी मैं आपको URL का भी ट्रांसक्रिप्ट करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया यहाँ पे कुछ भी चीज़ डाउनलोड नहीं होगी, ये होगी टेम्प्रेरी फोल्डर में। एंड मैंने ऑडियो उठाया असेंबली आई का कुछ, तो असेंबली आई की गिटहब से, अगर लाइक मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरे को डाउनलोड पे ले जाएगा एंड मैं इसको डाउनलोड नहीं करना चाहता। तो वेट करते हैं आउटपुट का। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है ये, अगर वहीं पर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा लाइक 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो कि 40 कोर्स होंगे, सॉरी 40 थ्रेड्स होंगे, देन ये फास्ट हो जाएगा। तो लाइक इसने ट्रांसक्राइब कर दिया है एंड इट टुक 19.4 सेकेंड्स। यू कैन ट्राई दिस ऑन योर ओन। सो बहुत बढ़िया, लाइक अपना काम हो जाएगा इससे। एंड लाइक मैंने अभी जस्ट एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे एक वेव फाइल बन चुकी है, इसको मुझे डिलीट कराना है। तो
ये मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। चल वैसे फाइल पाथ के यहाँ पे यूज ही कहाँ हो रहा है, तो इफ आई इवन रिमूव दिस तो भी ये वर्क करेगा। मैं एक बारी कंफर्म कर लेता हूँ, तो इट्स स्टिल वर्किंग, सो तो मैं हटा देता हूँ। मैं इस मेन फंक्शन का नाम चेंज करके यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट दे देता हूँ, नहीं तो इधर मैं यहाँ पे मेन फंक्शन रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे एक ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ ट्रांसक्रिप्ट नाम का, अभी लाइक ऑडियो सोर्स इज यू आर एंड दिस, एंड मुझे इस पर थोड़ा सा डॉक भी लिखना पड़ेगा। तो नाउ वी हैव दी फंक्शन और आई गेस टूल। मुझे अब इसके लिए मार्कडाउन लिखना पड़ेगा जो कि मैं बाद में लिखने वाला हूँ, बट उसके पहले मैं यहाँ पे करा लेता हूँ इसको इम्पोर्ट फ्रॉम प्लगइन्स, प्लगइन्स डॉट ट्रांसक्रिप्ट इम्पोर्ट ट्रांसक्रिप्ट। ओके नाउ आई कैन यूज दिस ट्रांसक्रिप्ट। ऑडियो का मुझे यूआरएल देना पड़ेगा एंड मैं इस यूआरएल को ट्रू कर देता हूँ, मुझे बस उसको प्रिंट कराना है। नाउ लेट मी रन दिस। इसने 19 सेकेंड लिया था लास्ट टाइम, अभी देखते हैं कितना टाइम लेता है। ओके तो अप्रॉक्स इसने उतना टाइम लिया है एंड हियर कम्स द ट्रांसक्रिप्ट। तो इट्स कम्प्लीटली वर्किंग। नाउ मुझे क्या करना है कि नाउ मुझे एक चीज़ करनी थी कि यहाँ पे मैंने जो गेट कोर काउंट लिखा था कहाँ गया, इसको लाइक मैं डॉट ई एन यू में करना चाहता हूँ, बिकॉज जो मेरा ए आई एजेंट है कितनी कितने मेरे कंप्यूटर के रिसोर्सेज यूटिलाइज करे ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। तो डॉट ई एन वी इम्पोर्ट, तो लाइक मैंने डॉट ई एन वी से गेट की को इम्पोर्ट किया है। नाउ इट शुड वर्क। मैं काम करता हूँ, मैं बस इतनी चीज़ें लिखता हूँ। एंड मुझे मैक्स कोर्स की जगह मुझे मैक्स थ्रेड लिखना था बिकॉज ये थ्रेडिंग का पार्ट है। मैक्स थ्रेड्स इज इक्वल्स टू 4। नाउ मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे सी पी यू की जगह लिखने वाला हूँ आइदर 1 और आइदर 10। इसको इंटर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा ऑफकोर्स। ओके नाउ इट शुड वर्क। तो हमारे पहला ट्रांसक्रिप्ट वाला टूल तो इनिशियलाइज हमने कर लिया, मतलब हमने ये बना तो लिया है। नाइस। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट अ प्रोजेक्ट जो कि हाँ जिस प्रोजेक्ट का नाम है लाइक रॉडॉग। इसका गिटहब पेज शेरा एंड आप यहाँ से इसका कोड वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। मैंने लाइक इसका एक ब्रांच बनाया एंड मैंने इसका सोर्स कोड थोड़ा सा पढ़ा। फर्स्ट लेट मी टेल यू एक्चुअल में है क्या एंड करता क्या है। तो ये आपसे आपका ओपन ए आई की ले लेगा, बदले में जो भी आप इसको टास्क दोगे सी एल आई में यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस पे, ये उसको कंप्लीट करके देगा अगर इससे हो पाया तो। 4 मंथ पुराना है ये, इसको मेंटेन 4 मंथ से नहीं किया है एंड 5.18 में इसका लेटेस्ट रिलीज था। एंड मैंने जहाँ तक इसका प्रॉम्प्ट पढ़ा है अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इधर पे है ये प्रॉम्प्ट। में मैं एक मिनट प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। आप चाहो तो अगर चाहो तो वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो, बाकी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। तो इसमें रॉ डॉग के लिए प्रॉम्प्ट है कि वो कैसे यूज़र के साथ इंटरेक्ट करेगा एंड कैसे किसी भी टास्क को कंप्लीट करेगा। लेट्स से आपने इसको कोई टास्क दिया कि इस वाले फोल्डर में जाओ, इस वाले फोल्डर की फाइल पूरी डिलीट कर दो। देन क्या करेगा, ये पाइथन कोड लिखेगा उस चीज़ को करने का एंड वो काम ये करने का ट्राई करेगा। अगर वो काम हो जाता है देन यहीं पे टास्क एग्जीक्यूशन ये अपना रोक देगा, एंड अगर वो काम लाइक नहीं हो पाता है कुछ भी एरर आता है तो उसको वापस से फिक्स करके रन करेगा। एंड इस पे एक कंटिन्यू वाला सीन भी है, मतलब मैं आपको बताता हूँ। लेट से कोई टास्क ऐसा है जो कि फर्स्ट बार में मतलब फर्स्ट कोड में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेट से मैं आपको बताता हूँ, लेट से इसको कोई भी टेक्स्ट फाइल के रीड करके समराइज करना है। मैंने इसको बोला कि मेरे यहाँ पे रीडमी डॉट एम डी पड़ी हुई है, तुम जाओ उसको जाके मेरे लिए समराइज करो। देन क्या करेगा ये, सबसे पहले तो उसका जो टेक्स्ट फाइल का कंटेंट है उसको ये प्रिंट कराएगा एंड जो कुछ भी आउटपुट होगा ये इसके पास जाएगा रॉडॉक के पास, वो जो कुछ भी आउटपुट होगा। एंड आफ्टर रीडिंग दिस वो एक समरी जनरेट करके प्रिंट कराएगा जो कि यूज़र को दिखेगा। उस केस में कंटिन्यू का यूज़ करने वाला ये कि इसने प्रिंट कराया टेक्स्ट जो उस फाइल में था, देन इसने कंटिन्यू लिखा मतलब अपनी पाइथन स्क्रिप्ट के नीचे एंड देन उसका आउटपुट इसको मिल जाएगा, ऐसा इस प्रॉम्प्ट में लिखा है। एंड मैंने जहाँ तक इसका पूरा पूरा सोर्स कोड पढ़ा है शायद ही मैंने कुछ चीज़ें मिस करी हैं। एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट का कुछ तो सीन है यहाँ पे, लाइक अगर आप देखोगे यहाँ पे पाइथन के पैकेजेस इंस्टॉल करने का सीन है एंड लाइक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन का सीन है एंड बाकी चीज़ें भी हैं। एंड ये रहा एल एल एम क्लाइंट।
एंड ये रहे स्क्रिप्ट के मेन प्रॉम्प्ट। मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम ही प्रॉम्प्ट है। तो मैं आपको एक क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। हम लोग इससे इंस्पायर्ड कुछ करने वाले हैं, बिकॉज मैं आपको अपना मतलब स्ट्रक्चर बताता हूँ। जो हमारे एआई एजेंट्स होंगे वो काम बहुत ज़्यादा स्लो करते हैं। लाइक अगर मैं आपको बताऊँ, काम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड देन स्लोली प्रोसेस होकर आपके पास आते हैं। कुछ सिनेरियोज पे हम इतना स्लो अफोर्ड नहीं कर सकते एंड इतना स्लो उसको करना भी नहीं चाहिए। मतलब उसको मतलब फास्ट करना चाहिए वो काम। जैसे मैं उसको बोलता हूँ कि एक काम करो, मेरे इस वाले डायरेक्टरी में एक PNG नाम का फोल्डर है, उसको डिलीट कर दो। उस वाले केस पे क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा ये प्लान बनाने, देन टूल्स वगैरह सेलेक्ट करेगा कौन से टूल्स यूज करने हैं, देन उस टूल्स को एग्जीक्यूट करेगा, किसी एजेंट को टास्क देगा। उससे बेटर क्या है कि इस वाले केस में हम रॉ डॉग के जैसा अप्रोच यूज करें कि एक हमारा मेन मॉडल होगा जो कि कोई भी टास्क दिया है उसको डायरेक्टली करने का ट्राई करेगा। अगर उसको ऐसा लगता है कि उससे नहीं होगा, देन ये पास होगा एजेंट्स को। सो वी आर यूजिंग मिक्स, वी आर मिक्सिंग थिंग्स। लाइक एक होगा अपना मेन एजेंट जो कि पूरा ट्राई करेगा उस टास्क को करने का, अगर उसके बस में होगा तो। जैसे अगर आपने बोला इमेज जनरेट करने को, तो वो उस एजेंट के बस का नहीं है। मतलब उसके पास वो पाइथन कोड से इमेज तो नहीं जनरेट कर पाएगा। अगर करने का ट्राई भी करे तो उसको API वगैरह लगेगा। सो क्या करेगा वो चीज़ करेगा पास एजेंट्स को, देन एजेंट्स में से एजेंट्स उन टूल्स का यूज़ करके वो चीज़ करेंगे। इससे मैं आपको बताता हूँ इससे फ़ायदा क्या है। सबसे पहला हमको मिल जाता है स्पीड इन नॉर्मल टास्क। लाइक अगर मैं उससे बातचीत करना है तो मेरे को स्पीड मिल जाएगा। अगर लाइक मैं कोई भी छोटे मोटे टास्क है वो कराना चाहता हूँ, देन मेरे को स्पीड मिल जाएगा। एंड जो हमारा ये वाला अप्रोच है फ्लेक्सिबल भी है। जैसे अगर मैं कुछ लेंदी टास्क देता हूँ, देन वो एजेंट्स को साइन होगा, देन यहाँ पे मेरा टाइम शो करने लगेगा। सो वी गेट बोथ एडवांटेज, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ असाइनिंग टास्क। सो आज का मेरा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने इसका सोर्स कोड ही पढ़ा है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं रॉ डॉग को उस पर डालने वाला हूँ एंड इसका प्रॉम्प्ट थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे। एंड मैंने एक और गिटहब प्रोजेक्ट का सोर्स कोड पढ़ा है जो कि है देविका का। ये भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, आप चाहो तो उसका मतलब लाइक देख सकते हो। तो इसका मैंने सोर्स कोड पढ़ा है एंड मैं क्यों पढ़ा हूँ इसको, मैंने क्यों पढ़ा है इसका सोर्स कोड मैं आपको बताता हूँ। इसके मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि ये ब्राउजर में जाके रिसर्च कर सकती है एंड अपने हिसाब से चीज़ें सर्च कर सकती है। एज यू कैन सी हियर, मुझे ये चीज़ एजेंट्स के अंदर डालनी है। दैट्स वाई मैंने इसका सोर्स कोड पढ़ा एंड मैं आपको लाइक नेक्स्ट की नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ये चीज़ कैसे करने वाले हैं। मतलब हम ये चीज़ कैसे करने वाले हैं एजेंट्स के थ्रू, कि हम मतलब वेब ब्राउजर को उसको एक्सेस दे दें, देन वो सर्च करके कुछ चीज़ें कर पाए। एंड आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।